एक मिनट के लिए रुकना है, टेक्निकल इशू। देखिए क्योंकि 12 बज गए तो नेट आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू शक्तिमान। मैच की अब शुरुआत होती हुई। पहली गेंद वहां पर सम्मान दिया, बल्ले का बैकलिफ्ट निशा किया वहां पर, डॉट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की रफीक ने, तो अपनी टीम को चार्ज करते हुए यहां पर सारे खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए। बाहरी किनारा, अच्छा कैच, विकेटों के पीछे कैसे काम करना और क्या काम करना ये आप शारिफ नाम से सीख सकते हैं। जबरदस्त कैच, सेकंड अटेम्प्ट में उस कैच को समाप्त किया, पहला झटका दिया एफएस डोमिनेटर को। नए बैट्समैन देखना है कौन क्रीज की ओर आएगा। आज टूर्नामेंट में काफी हिट मूवमेंट देखने को मिले, उसामा शायद अकेले खेलेंगे। अरमाश अपने बॉलिंग मार्ग पर पूरी तरीके से तैयार, रफीक स्लेजिंग भी थोड़ी बहुत चलनी चाहिए। अच्छी गेंद, अंदर की बाहर की जानिब गेंद को निकाला था। इस दफा एक रन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं खाता, खुला यहाँ पर एक रन एक विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे बीएसएल एडिशन वन ऑर्गेनाइज बाय आसिम मोमिन और सैफ खान, पूरा पूरा सहयोग दिया यहाँ पर आबिद मालवी, अशीर मोमिन, शारिफ नाचन, इस्माइल अलवी और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बुरा ना माने। अच्छा शॉट, रिवर्स खेला था वहां पर। देखिए रन आने जरूरी है, लेकिन इससे पहले वाले मुकाबले में जेसीएस के कैप्टन असीर ने एक जबरदस्त पारी खेली, 3 सिक्सर लगाए, 6 का पहाड़ा याद करवा दिया था रॉयल स्ट्राइकर के गेंदबाजों को। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 2 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखिए समय का पूरा पूरा ख्याल रखना है, पावर प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए बैट्समैन नहीं आए हैं, पुराने ही हैं। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अगर आज आपको 9 मुकाबले कराने हैं तो आज आपको कड़क एक्शन लेना पड़ेगा। उसामा, अंसारी, कोहिनूर, अच्छी गेंद, गेंद को खोद कर निकाला, खिलाड़ी मौजूद लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। आसिम मोमिन टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता, उसामा क्या जबरदस्त शॉट, अपने आप को खोज रहे थे वहां पर उसामा, देखना है। चार रन, तो यहां पर देखिए अपने खोए हुए फॉर्म को तलाश कर लिया अब उसामा ने, रंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छा शॉट, अच्छा कैच, व्हाट अ कैच, अनस ने एक शानदार कैच समाप्त किया और उसामा की
उभरती हुई पारी पर विराम लगाया, आउट होकर वापस जा रहे हैं उसामा, जबकि अकबर शेख पावर हिटर अकबर शेख बल्लेबाजी के लिए आए हैं। गेम चेंजर, गेम चेंजर, कुछ भी करने का मादा, लेकिन एफए डोमिनेटर को भी आप हल्के हल्के में नहीं ले सकते। भागम भाग क्रिकेट, दो रन, 16 रन, दो ओवर की समाप्ति 16 रन। इसके बाद जिसका भी मुकाबला है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको इतला देनी है किसका मुकाबला है। बैट और बॉल का किसी ने कहा, राखी बंसारी कुछ ढूंढने के लिए गए हैं और मैं समझ सकता हूं कि रात के 12 बजे आप किसकी तलाश में निकले। बहरहाल तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज जैन, जबकि हरमश अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली। हरमश इनसाइड एज क्लीन बॉल। अब थोड़ी देर के लिए गेम को रोकना है। पहली गेंद पर सफलता दिलाई है डीकॉक ऑफ भिंडी माजिद बुबड़े। गेम को रोकना है थोड़ी देर के लिए। सैफ खान आपको भी तैयार रहना है। सैफ खान अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, सैफ खान टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता, तैयार रहना है। स्कोर 16 रन, दो विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। नहीं यार, काम रहेगा तो ऐसे बोलूंगा ना। आइए राखी बंसारी, आपको हमारे साथ जुड़ना है। फराद अंसारी एक बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर, वो भी हमारे साथ जुड़े। वेलकम फराद, आपका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए खेल अभी भी रुका हुआ है। पहली गेंद पर सफलता दिलाई थी, आउट हो गए थे बैट्समैन अरमश। अब खेल की फिर से शुरुआत होने जा रही है। तीन विकेटें गंवा दी हैं 16 रन बनाने के लिए, एक चिंता का विषय, लेकिन
माजिद बोबड़े अब उसामा की तरह अपनी पारी को सजाने और संवारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टर्फ क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और अच्छे बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, और टर्फ में तो हमने इन्हें गेंदबाजी भी करते हुए देखा है। आज मौका भी है, दस्तूर भी है और जरूरत भी है। अजीबोगरीब तरीके से शॉट को खेलने का प्रयास किया, देखना है क्या कुछ इशारा आता है वहां पर अंपायर का, वाइड का इशारा। देखना है इस दफा डिक्लेयर जोन में गेंद गई, अच्छी फील्डिंग, एक रन। रिव्यू लिया है वहां पर भाई आबिद मालवी साहब, देखिए रूल सबके लिए एक जैसा है, नो बॉल की जो लाइन है उसके पीछे सबको जाना है। स्कोर 18 रन। अकबर शेख, अच्छी गेंद, गेंद के आने का इंतजार किया, शरीर से अलग किया, केवल एक रन। स्कोरर को परेशान करके रखना होगा, दोनों ही बल्लेबाजों को बिजी रखना होगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक रन की मदद से स्कोर 20। और जबकि ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ, ये उठता हुआ शॉट, देखना है क्या डाइव लगाएंगे, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए कोशिश तो दोनों ही बैट्समैन बड़े हिट लगाने की कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है अभी तक। जैन ने अच्छी गेंदबाजी की है, मौका नहीं दिया, रूम नहीं दिया अपने हाथ खोलने का, समझदारी दिखाई वहां पर, गैप में गेंद को ढकेला, बुलाया, वापस किया, बच गए अकबर शेख, ठंडी सांस लेने की जरूरत। 22-22 एफएस डोमिनेटर, डोमिनेट कर पाएगी या फिर गेम चेंजर, पूरा गेम चेंज करके रख देगी, ये देखना है। सैफ खान देखिए अब तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नए गेंदबाज रफीक पूरी तरीके से एक जबरदस्त फील्डिंग अरेंजमेंट करके रखा है गेंदबाज ने, बल्ले का फेस नहीं खोला बल्कि सिर्फ दिशा दिखाई है। देखिए रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं अपनी अपनी पारी की अहमियत को। ट्वेंटी थ्री
जबरदस्त टूर्नामेंट अब तक बीएसएल एडिशन वन लेकर आई है। बल्ला हाथ से छूट गया है माजिद बोबड़े के, हालांकि जासर ने अच्छा बैकअप दिया है। देखिए मोहम्मद कैफ को तो आप जानते होंगे, मोहम्मद कैफ उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं, लेकिन एक जबरदस्त फील्डर थे जिसकी वजह से उनके टीम में रखा जाता था। नहीं, मैंने ये जुमला इसके लिए कहा कि मैं देखना चाहता था कि मोहम्मद कैफ के कितने फैन है यहाँ पर। मैं समझ सकता हूँ फराज मालवी आपकी भावनाओं को। हाँ नहीं, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, सॉरी मोहम्मद कैफ, अगर आप यूट्यूब पर बीएसएल देख रहे हैं तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है फराज, अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो फराज मालवी के साथ आपको रहना चाहिए। देखना है फिर से, ओ हो, दाग लगे वो अच्छा है लेकिन चोट नहीं लगनी चाहिए। हम ऐसी कामना करते हैं कि एक साफ सुथरा क्रिकेट देखने को मिले। मुबीन, अगर मैं समझता हूँ ऊपर नेट नहीं होता तो गेंद दूसरे आसमान तक तो जरूर जाती। दबाओ दबाओ, बिंदास बिंदास बिंदास। नए बैट्समैन अरमान गोरी, ये वाले स्कोर है 27, 27 रन। अरमान गोरी नए बैट्समैन, लेकिन देखना है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे और इस टूर्नामेंट के तीसरे गेंदबाज थे जिन्होंने विकेटों की हैट्रिक ली थी। 28 रन, एफएस डोमिनेटर। देखिए माजिद बोबड़े भी अब कर भी क्या सकते हैं क्योंकि उनका साथ किसी ने नहीं दिया। देखना है सबका साथ सबका विकास के साथ ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। तीस रन, चार विकेटों के नुकसान पर अब यहां से देखिए बड़े हिट का आना बहुत जरूरी है और क्या लगा पाएंगे, अपने जाल में फंसा लिया। मैं तो मोहसिन को यही कहूंगा कि टर्फ क्रिकेट के गोल्डन आर्म गेंदबाज हैं। देखिए जिस प्रकार से गेंदों को काट रहे हैं ना, ये काम एक मजा हुआ गेंदबाजी कर सकता है। एक तो आपके पास एरिया है वो कम है। आज सैफ खान की खुशी सातवें आसमान पर है क्योंकि सादिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मशहूर और मारूफ। नहीं डीजे, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और सादिक खान को इन सब चीजों की मैं समझता हूँ कोई जरूरत भी नहीं है। सादिक खान हमारे साथ जुड़ रहे, वेलकम, फादर इन लॉ है सैफ खान के, वेलकम वेलकम वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ में शाहिद मामू और अरशद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेलकम आप तीनों हजरात का खैर मकदम है। अक्सर हमने देखा है कि अपने घर वालों के सामने परफॉर्मेंस देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ससुर जी के सामने अब किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा सैफ खान का, ये देखना है। देखिए एक विडंबना ये भी आज देखिए, शाहिद मामू जो जगत मामू और हमारे सादिक भाई जगत चाचा हैं, क्या बात है। इस वक्त सादिक खान मशहूर और मारूफ उद्योगपति और उनके साथ में शायद शेख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरशद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम आपका बीएसएल एडिशन वन में हार्दिक स्वागत है सैफ खान और आसिम मोमिन की जानिब से। पहली मरतबा हम देख रहे कि सादिक भाई, बहुत इसरार किया था मैंने दोपहर में, वेलकम सादिक भाई।
शाहिद शेख साहब और अरशद अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम। देखिए शाहिद भाई के बारे में मैं बाद में बताऊंगा जब ये मुकाबला अपने इख्तिताम की ओर बढ़ेगा। बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा इंटरव्यू जरूर रहेगा, लेकिन इस इनिंग की समाप्ति के बाद इसको 35 पांच विकेट गंवाने के बाद पांचवें ओवर की मैं समझता हूं आखिरी गेंद, लेकिन यहां पर मोहसिन कुरैशी। देखिए गेम को किस तरीके से अपने पाले में घसीटना है, ये अगर आपको सीखना है तो मोहसिन कुरैशी से सीखना होगा। मुस्कुराकर जान लेना कोई सीखे तो मोहसिन कुरैशी से सीखे। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया है, अपना काम करके वापस आराम करेंगे हॉट सीट पर। देखिए समय के मामले में गेम चेंजर प्लीज कॉपरेट करना है। आबिद मालवी, शारिफ नाचन प्लीज, अंपायर साहब को भी वहां से कॉल देना है। अभी अभी हमारे बीच मशहूर और मारूफ उद्योगपति सादिक खान, उनके साथ में शाहिद शेख साहब और अरशद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे, जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे सैफ खान के फादर इन लॉ हैं सादिक खान साहब। मुबीन आखिरी ओवर लेकर आए हैं, मुबीन सामना करेंगे अरमान। अच्छा शॉट लेकिन दूसरे के लिए पलटे हैं, देखिए टांगे कितनी लंबी लंबी है वहां पर। ओ हो, कितने रन अंपायर, दो रन और विकेट, दो रनों की मदद से स्कोर 39 पर जा पहुंचा है, 39 रन। आगे निकलकर खेलना चाहते थे, देखना है सवाल पूछा है भाई, सवाल करना है बवाल नहीं करना है। अंपायर भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं। अंपायर रिव्यू लिया गया है, किसका रिव्यू है सर? गेम चेंजर का रिव्यू है ये। अंपायर रिव्यू है, इतना देखिए इतना तेज, अगर आप किसी पर जाएंगे तो बौखला तो जरूर जाएगा। सोलिन शॉकर खेल रहे थे अरसलान। क्या सुंदर टेलीकास्ट है यहाँ पर प्रिंस मूवीज का। आउट, देखिए अंपायर ने आउट दिया है। और झटका लगता हुआ यहां पर एफएस डोमिनेटर को। उनचालीस रन के योग पर सातवां झटका लगता हुआ नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं नाजिद फारूकी। अच्छी गेंद, ओ हो,
तो इस वक्त वीआईपी डाइस पर टूर्नामेंट का आनंद ले रहे सादिक खान, उनके साथ में शाहिद शेख साहब और अरशद अंसारी ऑन हैट्रिक, हैट्रिक पर आ गए मोबिन। क्या चौथे गेंदबाज बनेंगे ये देखना है। पहली तीन गेंदों में तीन विकेटें ले डाली है, आगे निकलकर खेला वहां पर देखना है। अच्छा शॉट लपेट कर खेला है, कितने रन है? चार। मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, हमारे जो शाहिद भाई जिन्हें मैं शेख कह रहा था वो शाहिद मिर्जा हैं। फिर से एक अच्छा शॉट, लेकिन क्या एथलेटिक फील्डिंग की है वहां पर इस्माइल ने, और आउट। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए टोटल। छियालीस रन और 47 रनों का लक्ष्य रखा है गेम चेंजर के सामने। आइए अगला टॉस, मैं बैठ के कैप्टन, और क्या बात है सैफ बैट और एफएस डोमिनेटर के दरमियान अगला मुकाबला है। एफएस डोमिनेटर अपना मुकाबला खेल रही है शायद अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर खान साहब, अपने खास लोगों से मुलाकात करने के लिए गए हैं। देखना है टारगेट कितने रनों का है। 47 47, जो आखिरी में इस्माइल अलवी ने वो सिक्सर बचाया है, क्या मैच की पिक्चर को बदल देगी? अकबर शेख इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज जिन्होंने विकेटों का हैट्रिक पूरा किया था। स्ट्राइक पे मुबीन बोबरे, मुबीन बोबरे स्ट्राइक पे है। पहली गेंद वाइड बॉल, खाता खुल चुका है यहाँ पर गेम चेंजर का। इस बार अंदर की तरफ आई थी गेंद, सीधा हाथों में अरमान शंसारी, वहां पर अच्छी फील्डिंग, एक रन। अब अली पटेल है स्ट्राइक पर। इस बार तेज तर्रार और गेंद सीधा ग्राउंड के पार, रन मिलेंगे चार। चार रनों की मदद से अली पटेल ने अपना खाता खोला है, टोटल रन बन चुके हैं 6 6 रन। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए अली पटेल और इंपैक्ट छोड़ते हुए अपना इस मैच में। मोहसिन कुरैशी की जिस तरह बात कर रहे थे सिकंदर खान, इस बार हवा में लेकिन कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा, एक रन।
अगर मोहसिन कुरैशी की हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टर्फ क्रिकेट के कुलदीप यादव है वो। चाइना मैन गेंदबाज अकबर शेख मुबीन के लिए, और इस बार हवा में लेकिन कोई भी गलती नहीं की अरमान गौरी ने, आउट हो गए मुबीन, आउट होकर डगआउट लौट रहे मुबीन। बड़ा विकेट, ओ बल्लेबाजी को कौन आए हैं, आबिद मालवी। और जब बल्लेबाजी को आबिद मालवी आते हैं तो मुझे बीटीएल का मेगा फाइनल याद आता है जो नाइट राइडर के सामने उन्होंने क्या कमाल की पारी खेली थी। सात रन के स्कोर पर पहला झटका लगा है मुबीन के रूप में, आउट होकर डगआउट लौटे। अकबर शेख ने कमाल की वापसी की है। कदमों का इस्तेमाल करके स्ट्रोक खेला था, डायरेक्ट हिट मिडल स्टंप को उड़ाया वहां पर अरमान शंसारी ने, लेकिन एक रन सिंगल की मदद से स्कोर 8 रनों पर पहुंचा है। 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार में इस टाइम स्ट्रोक के उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बना, एक रन 23 कदमों के साथ पूरा किया है। सिंगल की मदद से टोटल रन बने 9 रन्स। एक ओवर के बाद 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। देखना है दूसरे ओवर के लिए माजिद बोबड़े को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, एक बहुत अच्छे गेंदबाज है माजिद बोबड़े। हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ ला रहे सहेल नाचन साहब, उनके साथ है मोंटी और अदनान भाई, वेलकम। अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर, और सिनान नाचन ने अच्छी गेंदबाजी की भी की है, 2 विकेट हासिल किया। उनके वालिद मोहतरम भी उनसे जुड़े हैं। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्टोक, एक रन, थोड़ा सहाना मिस कम्युनिकेशन हेजिटेशन। सादिक खान साहब इस वक्त मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, फादर इन लॉ सैफ खान के, और बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं ताल्लुका के। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए। इस बार देखना है, मौका था विकेट का लेकिन एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने। सिंगल की मदद से स्कोर है कुल 12, 12 रन्स। शाहिद मिर्जा साहब भी हमारे बीच मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसी बीच अगली गेंद, एक और वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है, 14 रन्स। फुल टॉस लेकिन फुल टोल वसूल नहीं कर पाए वहां पर आबिद मालवी, एक रन, 15-15। इस बार कारपेट थ्री स्ट्रोक खेला है वहां पर, अरसलान मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हो गए, एक रन मुकम्मल और रन आउट। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। सोलह के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा है, आबिद मालवी आउट होकर डगआउट लौटे हैं। देखना अगला बल्लेबाजी के लिए कौन आए, अरबाज। ओ देखना हवा में और आउट हो गए अली पटेल। टर्फ की क्रिकेट की परंपरा, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, अंपायर को निशाना बनाना। देखिए टर्फ का क्रिकेट जब भी रहता है अंपायर हर शाम 2 या 3 बार जरूर घायल होते हैं। और अब बल्लेबाजी को आए हैं इस्माइल अलवी, कलाइयों के कलाकार, जिनको मैंने टाइटल दिया था टीसीएल में, पूरे टर्फ क्रिकेट में एक ऐसे बल्लेबाज है जो कलाइयों के बलबूते पे बहुत अच्छा स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं टीम मझदार में फंस गई है।
और गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अकबर शेख। अब सिकंजा कस रही है यहाँ पर एफएस डोमिनेटर्स, डोमिनेट करने की तरफ देख रही है क्योंकि तीन विकेट गिर चुके हैं 16 के स्कोर पर। अरबाज शेख फील्ड की सजावट करते हुए, अम्ब्रेला फील्ड नजर आ रहा है इस वक्त अरबाज के लिए। अकबर बनाम अरबाज, जाने दिया, छेड़ने से बेहतर छोड़ना समझा, वाइट बॉल। अगली गेंद और इस बार हवा में, लेकिन नो मैन्स लैंड में टिप्पा खाई। ये देखिए गेंद हाथों में नहीं आ रही है, एक रन सिंगल की मदद से 18-18। ये देखिए अरमान गोरी को इस वक्त सर्कल में रखा गया है जबकि हाइटेड प्लेयर है इस्माइल अलवी। इस स्ट्राइक पर पिछले मैच में एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था अकबर शेख, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट लेने वाले। गर्माहट मैच में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। और जबरदस्त गेंद, 18-18। तेज तर्रार स्ट्रोक सीधा हाथों में, ओ रन आउट का मौका था लेकिन गवा दिया। सेकेंड अटेम्प्ट में कोशिश की अरमस ने लेकिन डाइव लगाकर अपने आप को बचाया है इस्माइल अलवी ने। क्या मुकाबला हो रहा है, सादिक खान साहब भी खुश होंगे ऐसा मैच देखकर, शाहिद मिर्जा भी खुश होंगे इस मैच देखकर क्योंकि मैच हर कोई चाहता है कट टू कट हो। अरबाज स्ट्राइक पर, देखना इस बार रन आउट का मौका और रन आउट कौन हुए, इस्माइल अलवी। रन नहीं लेना चाहते थे लेकिन अरबाज पहले ही निकल पड़े थे, इसीलिए तो कहते हैं अब तो टॉक टाइम इतना सस्ता है, कॉल करो ना कि मिस कॉल। बड़ा विकेट, इस्माइल अलवी आउट होगा डग आउट और अब बल्लेबाजी को आए रफीक, क्या काम करेंगे सारा ठीक। 19 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा है, अभी भी दो गेंद का आना बाकी है तीसरे ओवर की। अकबर शेख के इस ओवर ने ऐसा लग रहा है मैच को टर्न कर दिया है अभी तक। थोड़ा सा अपने आपको रूम देकर स्टोक को खेला था वहां पर रफीक ने, एक हिरन मिलेगा एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन्स। अरबाज अच्छी गेंद थी, ऑन साइड में खेला अरमाश का वहां पर डाइविंग एफर्ट लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए, एक रन। सिंगल की मदद से स्कोर है 21-21। अब जीत के लिए कितने चाहिए, 18 में 26, 26। देखना है मैच कौन करेगा अपनी तरफ फिक्स। मौजम भाई, अर्शद भाई भी हमसे इस वक्त जुड़ चुके हैं, वेलकम। और नफीस भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबार, पुरखलुस खैर मकदम आप सभी का बीएसएल भिवंडी सुपर लीग और आसिम मोमिन सैफ खान और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। ये देखिए आपके स्क्रीन पर अब हमारा वीआईपी डाइस दिखाया जा रहा है जहाँ पर सादिक खान साहब, शाहिद मिर्जा जी, अरशद भाई, मौजम भाई सभी मौजूद हैं। सादिक खान साहब जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है पूरे तालुका में, पूरे भिवंडी शहर में। शाहिद मिर्जा साहब भी बहुत मशहूर हस्ती है, ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष भी है, रह चुके हैं। 21-21 चार विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए अब नाजिद फारूकी को बुलाया गया है। थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज, एफएस डोमिनेटर्स, नाजिद फारूकी वक्त के लिए प्लीज।
लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड बॉल, जीत के लिए 18 बॉल में 25, 25। फुल टॉस गेंद, ऑन साइड में उसे टर्न किया, अरमान गोरी मौजूद, थोड़ा सा फंबल लेकिन एक ही रन हो पाया मुकम्मल। 23, 23, देखना है आज हम कब होंगे फ्री। नाजीद फारूकी की पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद एक सिंगल आया है। अब रफीक स्ट्राइक पे, और इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला है, गेंद पीछे की तरफ गई है, दो रन डिक्लेयर जोन में। इसे कहते हैं अकलमंदी का इस्तेमाल, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना चाहिए। 25, 25, अब जीत के लिए रन चाहिए 22। ओ जबरदस्त गेंद, अपील, लेकिन अंपायर ने सिरे से नकार दिया, डॉट बॉल। जीत के लिए अभी भी रन चाहिए 22, देखना मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। पंद्रह बॉल 22 रन, मैच में अभी भी छुपा हुआ है फन। ओ एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल, दबाव बना रही है एफएस डोमिनेटर्स। ओ लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल, ओ फिर से खराब गेंद, एक और वाइड। देखिए नाजिद फारूकी से कहा था कप्तान ने गेंदबाजी करना टाइड, लेकिन वो कर रहे हैं एक के बाद एक वाइड। इस बार खींच के मारा है वहां पर रफीक ने, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, एक रन माना दूसरे के लिए जाना चाहते थे, अरबाज मना किया। सिंगल की मदद से स्कोर है कुल 28, 28, अब चाहिए 13 में 19। अरबाज अभी तक इनका बल्ला नहीं किया आवाज, इस बार अच्छा स्ट्रोक, चाबुक शॉट लगाया था वहां पर, एक ही रन, सिंगल की मदद से रन बने 29। देखना है किसका क्रिकेट रहेगा फाइन। अब जीत के लिए चाहिए 12 में 18। बहुत ही क्लोज काउंटर में मैच आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज एफएच डोमिनेटर्स। मुनीस फारूकी को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है, देखना है क्या ये छोटा तीर घाव करेगा गंभीर। मुनीस फारूकी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ओवर लेकर आए, क्योंकि अगर आप टोटल डिफेंड कर रहे हो तो लास्ट ओवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड लास्ट ओवर। स्ट्राइक पर है अरबाज, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रफीक। मुनीस फारूकी राइट आर्म राउंड द विकेट, अरबाज के लिए पहली गेंद 5वें ओवर की। बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर बहुत ही खूबसूरत कट शॉट खेला था अरबाज ने, एक ही रन, सिंगल की मदद से स्कोर 30 रनों पे पहुंचता हुआ 30। रफीक अब सामना करेंगे गेंदबाज मुनीस फारूकी का। ग्यारह में 17 बढ़ चुका है दोनों टीम के लिए खतरा। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, 11 में 16, एक और वाइड, 11 में 15। काम आसान करें मुनीस फारूकी अपोजिशन का। अब 11 बॉल में 15 रन, ये दो रन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद थी रन के लिए, लेकिन निकल पड़े तुरंत।
सिंगल रन 33-33। व्हाट अ मैच, ये है बीएसएल एडिशन वन, भिवंडी सुपर लीग, सुपर से ऊपर सुपर डुपर हिट होता हुआ ये टूर्नामेंट। ओ फिर से खूबसूरत कट स्ट्रोक, कॉपी बुक शॉट लगा रहे अरबाज, और फराज मालवी काफी खुश होंगे इस तरह के स्ट्रोक देखकर, क्योंकि क्रिकेट फैमिली से आते हैं। ओ एक और वाइड, अब यहां से जीत के लिए रन चाहिए 12। क्या बदल जाएगा नजारा, हम देख रहे हैं बीएसएल एक शाम के बाद दोबारा। ओ स्टैंड एंड डिलीवर, रफीक ने कर दिया सब कुछ ठीक, क्या जबरदस्त स्ट्रोक लगाया रफीक ने। अब चाहिए 8 में 6, मैंने पहले ही कहा था इंपॉर्टेंट ओवर है ये। देखिए इसीलिए कहते हैं फॉर्मेट कोई भी हो एक्स्ट्रा बॉल करने से आपको बचना होगा। 8 बॉल 6 रन, क्या अभी भी कोई रोमांच लौटेगा? जाने दिया, छेड़ने से बेहतर छोड़ना समझा। 8 पे 5, एक और वाइट, अब जीत के लिए रन चाहिए 4। बदल दिया यहां पर रफीक ने सभी का विचार। एक और वाइड, वाइड का हैट्रिक, सिर्फ 3 रनों की जरूरत। ओ इस बार लेट कट करना चाहते थे वहां पर रफीक डॉट बॉल। अब 7-3 का इक्वेशन, और इस बार रिवर्स स्वीप खेला है 2 रन और मैच टाई हो चुका है। जीत के लिए 6 बॉल में 1 रन, साजिद ना खुश नजर आए वहां पर, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो थोड़े से चिंतित हो। 6 बॉल में 1 रन, अब कोई करिश्मा ही मैच में वापस ला सकता है एफएस डोमिनेटर्स को। साजिद क्या कोई करिश्मा ही गेंदबाजी करेंगे, जादुई गेंदबाजी करनी होगी इन्हें। अरबाज स्ट्राइक पर, और अच्छे तरीके से खेला और मैच को जीत लिया है गेम चेंजर ने। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक एफएस डोमिनेटर्स।